हेलो एवन, कैसे आप सब? वेलकम यू ऑल अगेन TPTC क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सर्वे, ठीक है। हमारे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी दो चैप्टर बाकी हैं, छोटे चैप्टर ही हैं, ठीक है। तो हम एक काम करेंगे, उनको हम इस वीकेंड पे इसको ले लेंगे, ठीक है। तो अभी फॉर टाइम भी हमने स्टार्ट कर देना है सब्जेक्ट, सर्विंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जितना हमने कवर कर लिया है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, और एक दो टॉपिक बाकी हैं, वो भी फटाफट कवर कर लेंगे एक दिन में, और उसके साथ ही मैं आपको शीट भी दे दूंगा, ठीक है। तो अभी आज स्टार्ट करते हैं, सब्जेक्ट नया है सर्वे, एकदम फ्रेश सब्जेक्ट लेते हैं और स्टार्ट करते हैं एकदम शुरू से, ठीक है ना। तो जो सब्जेक्ट है सर्वे, इसका बेसिकली मैं आपको बता दूँ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बात कर रहे हैं, एग्ज़ाम हमारा ऑब्जेक्टिव ही है, तो इसका सर्वे में हम बात करते हैं तो 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे आएंगे, ठीक है ना। 8 से 10 क्वेश्चन, 8 to 10 क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। हमारे सर्वे वाला एग्ज़ाम है, इतने क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और इसमें बेसिकली क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहता है कि जैसे कि हम चैप्टर पढ़ेंगे, आगे जाके हम पढ़ेंगे एंगल्स निकालेंगे, ठीक है ना, या हम बोलते हैं हम लीनियर मेजरमेंट बोलते हैं, एंगुलर मेजरमेंट बोलते हैं, यानी कि लेवलिंग वाला चैप्टर ले लो, राइज फॉल मेथड, HI मेथड, ठीक है, या फोर बेयरिंग बैक बेयरिंग निकालनी हो, या हमको कहीं निकालना हो एंगल ऑफ डिक्लेरेशन निकालना हो, ठीक है, तो इस पर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन बनता है। तो यानी सर्वे में अगर 8 क्वेश्चन आते हैं तो 2 या 3 न्यूमेरिकल हो जाएंगे और बाकी क्वेश्चन थ्योरेटिकल, और वो भी एकदम सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है ना। तो जैसा मैं आपको बताऊंगा आपको उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है, और हम इजीली इन 8-9 क्वेश्चन जो भी आएंगे इसको हम इजीली क्रैक कर देंगे, अगर हम जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ वैसा आप पढ़ते रहेंगे तो, ठीक है ना। तो ये स्टार्ट करते हैं सर्विंग। हमारा फर्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल्स ऑफ सर्विंग, यानी कि सर्विंग की जो फंडामेंटल्स हैं वो क्या है, ठीक है। तो देखिए, बेसिकली आप लोगों ने नाम तो सुना होगा सर्विंग, डिप्लोमा किया है, इंजीनियरिंग की है, तो सबसे इम्पोर्टेंट जब भी हम हमारे सिविल इंजीनियरिंग का कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो हम करते हैं सर्वे, ठीक है। मान लो कोई बिल्डिंग बनानी है तो लैंड का सर्वे कर लोगे, लैंड में कोई लेवलिंग ऊपर या नीचे तो नहीं है। कोई सड़क बनानी है, सड़क का लेआउट करोगे, ड्रेनेज कैसे देना है, सड़क का लेवल क्या रखना है, कैम्बर कितना देना है, ये सब किससे होगा, सर्वे से होगा। रेल लाइन बिछानी है तो रेल लाइन का भी सर्वे करना पड़ेगा, वो भी सर्वे से होगा। तो सर्वे एक ऐसा सब्जेक्ट है हमारे इंजीनियरिंग का जिसको उपयोग हम अन्य हर पार्ट में करते हैं, जिसका उपयोग हम हर पार्ट में करते हैं। देखो, सर्वे सिविल इंजीनियरिंग का वह मेन पार्ट होता है, एंड इट इज़ अ मेन पार्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। मैं आप लोगों को साथ साथ एक चीज़ और बता दूँ, जो मैंने नोट्स प्रोवाइड कराए हैं ये एक इस तरह सी लैंग्वेज में है कि हिंदी हो, इस तरह से हैं कि चाहे हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से, यानी कहने मतलब है चाहे डिप्लोमा स्टूडेंट्स हो या बीटेक स्टूडेंट्स हो, दोनों इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, इस लाइन को हम वापस समझते हैं। मैंने बताया आपको कि सर्वे सिविल इंजीनियरिंग का वह मेन पार्ट होता है जिसमें इन विच मैन मेड और नेचुरल फीचर्स ऑफ अर्थ सरफेस आर प्रेजेंटेड, यानी कि जिसमें अर्थ सरफेस के नेचुरल फीचर्स और मैन मेड फीचर्स, कैसे, जैसे कि मान लो ये आपका कोई सिटी है, सिटी में, या मान लो कोई बिल्डिंग है, कोई एरिया है, यहाँ पे पहाड़ है, तो आपने इस पहाड़ को एक सर्वे में ड्रॉ किया है तो वो हो गया नेचुरल फीचर्स। या मान लो कोई सपोज़ कई बार आप देखा होगा बड़े मैप में, बड़े सारे मैपों में इस तरह से एक सिंबल होता है, इसका मतलब था रेल लाइन। रेल लाइन कोई नेचुरल फीचर तो है नहीं, रेल लाइन क्या है, एक मैन मेड फीचर है। तो सर्वे क्या होता है, सर्वे सिविल इंजीनियरिंग का वह पार्ट होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम नेचुरल फीचर्स और मेन मेड फीचर्स को ड्रॉ करते हैं, यानी कि प्रदर्शित करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं, ठीक है। यानी सर्वे इज दैट पार्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इन विच बोथ मैन मेड एंड नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ आर प्रेजेंटेड, ठीक है। आगे देखिए, फीचर्स को प्रेजेंट करने के लिए, यानी जो फीचर्स मैंने बोला है उसको प्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो प्लान बनाएंगे या मैप बनाएंगे। अगर लार्ज स्केल है हमारा तो उसे बोलेंगे प्लान, और छोटे क्या बोलते हैं, मैप बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक बेसिक छोटी सी बात थी कि सिविल इंजीनियरिंग यानी कि सर्वे हम पढ़ते क्यों हैं, सर्वे हमारा होता क्या है, ठीक है। आइए अब थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए नोट कमेंट,
जहाँ जहाँ मैं नोट पॉइंट लिखाता हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के परस्पेक्टिव से, वहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए ये हमारी जो प्यारी धरती है उसकी फोटो बनाई हुई है, ठीक है, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बन गई है पर आप समझ लेना। तो ये हमारी प्यारी धरती है, ठीक है, आप लोगों को बताइए धरती में ये और ये वाला सिरा, इन्हें बोलते हैं ध्रुव, हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं पोल, इट इज़ नॉर्थ पोल इट इज़ साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ये 0 डिग्री जो होती है अक्षांश उसे बोलते हैं विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर। ठीक है, अर्थ की जो शेप क्या होती है, देखो अर्थ की जो शेप होती है वो होती है ओब्लेट स्फेरॉइड यानी कि चपटी गोली होती है। ठीक है, शेप होती है किसकी, अर्थ की, अर्थ की शेप होती है ओब्लेट स्फेरॉइड। कई बार तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन रहता है कि द शेप ऑफ द अर्थ इज, धरती का आकार क्या होता है, तो ओब्लेट स्फेरॉइड यानी कि चपटी गोली। ठीक है, ठीक है, आगे देखें द एक्सेस इक्वेटर एक्सेस यानी कि यहाँ से यहाँ तक दूरी जो है वो है 12,756 किलोमीटर ये वाली, और पोल कितनी है ये है 12,713.80 किलोमीटर। तो आपको पता लग रहा है इन दोनों में से ज़्यादा लंबा कौन है, ये है इक्वेटर की डिस्टेंस 12,756.17 किलोमीटर। तो हम बोल सकते हैं कि इक्वेटर पोल से 42.95 किलोमीटर ज़्यादा लंबा है ना, यानी इक्वेटर इज़ मोर देन 42.95 किलोमीटर लेंथ वाइज देन पोल, पोल एक्सेस। ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछ जाता है। ठीक है ना, कई बार क्या होता है कि क्योंकि हमारा एक जो एग्ज़ाम है सिविल इंजीनियरिंग, इसमें बहुत से क्वेश्चन उठा पुट अप कर सकते हैं। वैसे आज तक मैंने ये वाला क्वेश्चन तो कोई देखा नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये एक तो डेटा का याद रखना मुश्किल भी होता है, लेकिन अगर हम पढ़ रहे हैं एग्ज़ाम क्रैक करना है तो हमें हर तरीके से तैयार रहना पड़ेगा, इसलिए इसको ध्यान रखना। और ये तो ये भूल भी जाओ, ये तो पता होना चाहिए 42.95, कई बार रेंडमली 43 भी दे दें तो ऑप्शन आपको पिकअप करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ सर्वे ऑन द बेसिस ऑफ, सॉरी ये हमारा इसका हो गया पेज नंबर 1, अब स्टार्ट करते हैं हमारा पेज नंबर 2। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे यानी कि सर्वे के प्रकार, जिस भाई हम सर्वे पढ़ रहे हैं तो सर्वे कौन कौन से सर्वे हम पढ़ेंगे उसे क्लासिफिकेशन आपको आना चाहिए, तो दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे यानी कि सर्वे के प्रकार। ठीक है, तो पहला देखिए बेस्ड ऑन एक्यूरेसी डिसाइड यानी कि हमें कौन सी एक्यूरेसी यानी कि हमको किस तरह से सही ढंग से काम करना है, या बोल सकते हैं कि बेसिक सर्वे बोल दो आप, तो दो प्रकार का होता है, एक होता है प्लेन सर्वे और एक होता है जियोडेटिक सर्वे। ठीक है, प्लेन सर्वे में क्या होता है अर्थ की सरफेस को स्ट्रेट मानते हैं, जैसे कि आपको पता ही अर्थ क्या है, अर्थ एक ऑब्लेट स्फीयर है यानी गोला है, तो अर्थ की सरफेस स्ट्रेट तो हो नहीं सकती, लेकिन प्लेन सर्वे में क्या बोलते हैं अर्थ की सरफेस क्या है स्ट्रेट एज्यूम करेंगे। सेकेंड है जियोडेटिक सर्वे, जियोडेटिक सर्वे में क्या होता है इस प्रकार के सर्वे में हम अर्थ की जो कर्वेचर है उसको भी हम कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो प्लेन सर्वे जिसमें क्या होगा अर्थ की सरफेस को स्ट्रेट एज्यूम करेंगे, और जियोडेटिक में क्या करेगा अर्थ की सरफेस को कर्वेचर नेचर के रूप में हम एज्यूम कर लेते हैं या उसके रूप में इसको ले लेते हैं, सब बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगेन नोट का पॉइंट आया, प्लेन सर्वे इज यूज फॉर स्मॉल एरिया अप टू 195 किलोमीटर स्क्वायर। देखिए अगर मान लो आपको कोई सर्वे करना है और वो एरिया 195 किलोमीटर स्क्वायर से कम है या वहाँ तक है, तो आप प्लेन सर्वे के अकॉर्डिंग अर्थ की सरफेस को स्ट्रेट मान कर सर्वे कंडक्ट कर लेंगे यानी सर्वे आप कर देंगे। लेकिन अगर एरिया 195 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा है तो आपको अर्थ की सरफेस के कर्वेचर इफेक्ट को लेना पड़ेगा। ठीक है, ये कर्वेचर नेचर क्या होता है ये हमारा आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको बताऊंगा कर्वेचर से क्या प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्यूरेसी के अनुसार प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है बेस्ड ऑन पर्पज ऑफ सर्वे। ठीक है, यानी प्लेस ऑफ सर्वे, पर्पज क्या है, उद्देश्य के आधार पर बोल सकते हैं। पहला हमारा है टोपोग्राफिकल सर्वे। ठीक है, टोपोग्राफिकल सर्वे, ठीक है, इसको जो करता है इसकी जो इस प्रकार के सर्वे को जो कंडक्ट करता है वो करता है सर्वे ऑफ इंडिया SOI। ठीक है, ये बोलता है इसका यूज़ अर्थ सरफेस के लार्ज पार्ट जैसे रिवर्स हिल को लोकेट करने में किया जाता है। देखो टोपोग्राफी क्या होती है, जैसे मान लो
ये हमारा बड़ा प्लान हो गया कोई, ठीक है, ये हमारा मान लो ये बड़ा प्लान हो गया, और ये सपोज हमारा हो गया, अगर बात करें थोड़ा नक्शा से बन सकता है, ये हमारा हो गया प्यारा भारत, ठीक है। अब ये हमारा प्यारा भारत हो गया, अब इसमें देखिए जैसे कि मान लो इस बड़े भारत के नक्शे में सपोज आपको मेरे को कई बार आपने देखा होगा मैप, अगर आप पढ़ते हो तो ऐसा एक त्रिभुज बना होता है, सपोज यहाँ तो वेस्टर्न घाट है या हिमालयाज से, तो सपोज यहाँ पे ऐसा एक त्रिभुज सा बना होगा, वो बोलेगा ये क्या है, ये कोई भी हिल है, K2 काराकोरम हिल है या जो भी हिल है, तो ये जो इसकी लोकेशन हुई है इस माउंटेन की इस मैप पर, वो हुई है टोपोग्राफिक सर्वे के द्वारा, ठीक है। तो टोपो का सर्वे क्या करेगा, लार्ज जो होगी एरिया जैसे कि रिवर्स हिल्स को लोकेट करेगा, इसका स्केल होगा 1:25,000 to 1:10,000, ठीक है। तो आपको ये रेशियो भी कई बार ध्यान रखना, जहाँ मैंने स्केल आपको अगर कहीं दिया है तो वो आपको ध्यान रखना है, इट इज़ टोपोग्राफिक सर्वे, ठीक है। नेक्स्ट है अपना कैडस्ट्रल सर्वे, ठीक है। देखो इस सर्वे को समझने के लिए आप बेसिक इस बात को समझ सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कई बार आप जाते हो कि आपको अपने प्लॉट का या घर का पट्टा बनाना है, तो आप जाते ले जाते हो ब्लू प्रिंट, सपोज ये ब्लू प्रिंट हो गया आपके घर का, उसमें होता है कि भाई यहाँ से ये रोड है, यहाँ पे ये रोड है, यहाँ पे इसका मकान है, यहाँ पे इसका मकान है, तो ये आपके क्या बाउंड्री लाइन है, तो जिस तरह से आप इस बाउंड्री लाइन को निर्धारित करते हो उसे करने के लिए जो सर्वे होता है उसे बोलते हैं कैडस्ट्रल सर्वे, यानी इसका मेन उद्देश्य क्या है, लीगल पर्पज़ यानी कानूनी उद्देश्य के लिए, क्योंकि आपने अपने मकान का पट्टा बनाया, यानी आपने उस लैंड को अक्वायर किया है, तो ये आपका कानूनी हक है उस ज़मीन पर, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कैडस्ट्रल सर्वे करेंगे। इट यूज टू मेड प्लान ऑफ प्रॉपर्टी और हाउस, ना प्रॉपर्टी हाउस का प्लान आने के लिए काम होगा, मेनली यूज फॉर लीगल पर्पज, कानूनी उद्देश्यों के लिए काम होगा, इसे लैंड सर्वे भी कहेंगे, ठीक है। इसका स्केल होगा 1:1,000 to 1:5,000, 1,000 से 5,000 तक होगा इसका स्केल, ठीक है। तो ये हमारे हो गए दो, हमारा थर्ड है इंजीनियरिंग सर्वे, ठीक है। अब देखिए पहला हमारा हो गया टोपोग्राफिकल, थर्ड हो गया कैडस्ट्रल, और थर्ड हमारा, वैसे आपको ये बता दूँ कैडस्ट्रल सर्वे जो हमारा सेकंड वाला था वो उस पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना। हमारा नेक्स्ट हमारा इंजीनियरिंग सर्वे, तो नाम इंजीनियरिंग सर्वे इसका मतलब इसका काम इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट जैसे हाईवे, रेलवे, वाटरवे, सीवेज, डिस्पोजल, ब्रिज आदि इत्यादि के लिए किया जाएगा, ठीक है। इसे कंस्ट्रक्शन करो भी कहते हैं, कंस्ट्रक्शन सर्वे भी कहेंगे, ठीक है। इसका स्केल 1:50 to 1:50,000, ये 1:50 to 1:50,000 मैंने आपको ओवर ऑल रेंज बताई, यानी कि अगर बिल्डिंग के लिए स्टार्ट कर रहे हैं हम, छोटे बिल्डिंग के लिए करेंगे तो कम ले लेंगे, आगे रेलवे प्रोजेक्ट के लिए बड़ा ले लेंगे, तो इसका रेशियो वेरी कर सकता है, तो ये 1:50 to 1:50,000 तक होगा इसका रेशियो, किसका, इंजीनियरिंग सर्वे का, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हमारा हाइड्रोग्राफिक सर्वे, दिस टाइप ऑफ सर्वे इज यूज फॉर लोकेटिंग वाटर बॉडीज लाइक स्ट्रीम्स, लेक्स एंड कोस्ट, यानी इस प्रकार के सर्वे का उपयोग हम करते हैं वाटर बॉडीज को लोकेट करने के लिए, जैसे कि कौन कौन सी वाटर बॉडीज, स्ट्रीम मतलब झरने, लेक स्ट्रीम झरने और लेक झील भी हो सकती है, देखो स्ट्रीम्स जो झरने, देखो और लेक में क्या अंतर है बताता हूँ आपको, सपोज ये पहाड़ी है और ये पहाड़ी से रिवर बह रही है, ठीक है ना, तो रिवर जब यहाँ से बह रही है, मान लो यहाँ कोई पहाड़ी में डाउनफॉल हो, यहाँ से गिरेगा तो ये झरना कहलाएगा, और आगे जाके पानी कहीं रुक जाएगा तो वो लेक कहला देगा, ठीक है। कोस्टल वाटर मतलब समुद्र के पास पास के एरिया, तो इस प्रकार के सर्वे का उपयोग झरनों, लेक्स, झीलों और कोस्टल वाटर को लोकेट करने में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, एस्ट्रोनॉमिकल आपको वर्ड ही समझ में आ गया, एस्ट्रोलॉजी है ना, कोई बात हो रही है आपके एस्ट्रोलॉजी की, यानी कोई बात हो रही है आपके तारों की, ग्रहों की, नक्षत्रों की बात हो रही है, वैसे भी कोरोना के चक्कर में एस्ट्रोनॉमिकल सबका बिगड़ा हुआ ही है, ठीक है। तो देखो इस प्रकार के सर्वे में क्या होगा, हम डिटरमाइन करेंगे लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर, ठीक है, और इसको ज्ञात करने के लिए हम स्टार और सन की स्थिति का यूज़ करेंगे, ठीक है। इस प्रकार के सर्वे से क्या होता है, हम धरती के सरफेस पर किसी भी पॉइंट की पूर्ण स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ को आपको लोकेट करना है उसकी अब एग्जैक्ट लोकेशन पता करनी है तो आप एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे का उपयोग करते हैं। इसको करने के लिए जो जियो सेटेलाइट्स हैं उनको हम उसकी पिक्चर्स लेके या उनकी सेटेलाइट्स द्वारा
सेटेलाइट पिक्चर लेके या एक लार्ज स्केल पे करके सर्वे हम उसको कंडक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है जियोलॉजिकल सर्वे, अर्थ सरफेस की विभिन्न परतों का अध्ययन करने के लिए। परतें कैसी, जैसे कि ये होगा ना, कौन कौन सी रॉक्स है, इग्नेस है, माउंटेनियस है। जैसे आपको पता होगा कि जैसे कि आप लोग अगर देखते हो इंडिया का नक्शा है ना, तो इस नक्शे में ये तो जो माउंटेन है, ये हिमालय वाली, ये तो न्यू माउंटेन है, और ये वाली अपना अरावली मान लो, ये अपना गलित पर्वत है, यानी वो पुराना पठार मान लो, या ऐसा पर्वत जो पुराना है। तो इसकी इस प्रकार के पुराने पर्वत में क्या फीचर्स होंगे और इस नए पर्वत में क्या फीचर्स हैं, तो उसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, जियोलॉजी का सर्वे करते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया जियोलॉजी का सर्वे हमारा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टाइप है, टाइप थर्ड, टाइप्स ऑफ सर्वे ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट। भाई इंस्ट्रूमेंट के आधार पर सर्वे कितने प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा देखिए चेन सर्वे। ये तो बेसिक्स आपको पता ही होगा, आप लोगों ने चेन बिछाई होगी और चेन और टेप की सहायता से आपने लाइन नापी होगी, ठीक है। तो इस प्रकार के सर्वे में केवल लीनियर मेजरमेंट, यानी कि हम केवल चेन और टेप की सहायता से एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे या किसी भी ऊपर खबर एक्सिस पे लाइन को ही नाप सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, लीनियर मेजरमेंट नापा जाएगा चेन सर्वे, ठीक है। एंगुलर मेजरमेंट को हम नहीं नाप सकते, ठीक है ना। चेन सर्वे को हम आगे डिटेल में और पढ़ लेंगे, ठीक है। ये वैसे इस प्रकार इस जो टॉपिक में जितने भी हम कवर पॉइंट्स को पढ़ेंगे वो सारे हम डिटेल में पढ़ने वाले आगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कंपास सर्वे। कंपास सर्वे में क्या होगा, हॉरिजॉन्टल एंगल, ठीक है, सॉरी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और एंगल भी हम मेजर कर लेंगे। एंगल कौन सा ना पाएंगे, केवल हॉरिजॉन्टल एंगल। कंपास सर्वे में क्या होगा, आप टेप ले लोगे और आप एक ट्राइपॉड ले लोगे, उसके ऊपर आप प्रिज्मेटिक का सर्वे कंपास रख के टेप से लेंथ नाप लोगे और इस कंपास से एक लाइन ऑफ साइट करके आप एंगल भी नाप सकते हो। पर एंगल कौन सा नापाओगे, केवल हॉरिजॉन्टल एंगल, ठीक है। तो कंपास सर्वे में क्या होता है, इन दिस सर्वे बोथ हॉरिजॉन्टल यानी लीनियर एंड एंगुलर कोणीय मेजरमेंट दिए जाते हैं। लीनियर मेजरमेंट चेन द्वारा करेंगे और एंगुलर कंपास द्वारा, पर केवल हॉरिजॉन्टल एंगल ध्यान रखना। थर्ड हमारा है लेवलिंग। लेवलिंग तो आप लोगों ने कितनी बार ही पढ़ा होगा। लेवलिंग में क्या करते हैं, हम किसी भी ग्राउंड सर्विस पे अलग अलग पॉइंट्स पर लेवल निकालते हैं, यहाँ लेवल कितना है, यहाँ लेवल कितना है, यहाँ, यानी कि वर्टिकल एलिवेशन निकालते हैं विभिन्न पॉइंट्स पर, उसे बोलते हैं लेवलिंग सर्वे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्लेन टेबल सर्वे। प्लेन टेबल सर्वे में आप लोग क्या करते हैं, प्लेन टेबल सर्वे में आप लोगों को पता ही है कि प्लेन टेबल सर्वे में आप किसी भी बाउंड्री है, इस बाउंड्री का आप आउटर करके इस बाउंड्री का प्लान ड्रॉ कर सकते हो। प्लेन टेबल सर्वे में बेसिकली क्या चाहिए, एक टेबल होती है, ठीक है, और उस टेबल पे एक ड्राइंग शीट लगा देते हैं आप लोग, और एक होता है एलिवेटेड से लाइन ऑफ साइड करते हो, प्लम्ब ऑफ होता है, उससे आप एक टेप की सहायता से तो आप क्या नाप लेते हो, डिस्टेंस, और कंपास करके एंगल भी नाप सकते हो। तो ऐसे अलग अलग जगह पे आप लेके आप करो तो लास्ट फाइनल क्या होता है, सीधे का मैपिंग की जा सकती है। इन दिस सर्वे ए मेन, ठीक है, सॉरी मैं नहीं, ये मैप है, सॉरी इन दिस सर्वे इसको मैप कर देना। इन दिस सर्वे ए मैप प्लान क्लोज प्लान ऑफ एनी बिल्डिंग इज मेड विद द हेल्प ऑफ प्लेन टेबल चेन टेप। और भी इंस्ट्रूमेंट है जो हम इसको पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ लेंगे, इसकी एक्यूरेसी क्या कम होती है, ठीक है। एडवांटेज यही है कि मेजरमेंट एंड प्लॉटिंग एक साथ होती है। ये अगर आप किसी ने फील्ड में काम किया है प्लेन टेबलिंग का, तो उसे पता है कि इसमें एडवांटेज क्या है, मेजरमेंट और प्लॉटिंग इसकी एक साथ ही होती है, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, हमारा फाइव नंबर है, हमारा है थियोडोलाइट सर्वे। अब देखिए थियोडोलाइट सर्वे में क्या होता है, थियोडोलाइट सर्वे में जैसे कि हम यूज़ करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम होता है थियोडोलाइट, ठीक है। थियोडोलाइट का उपयोग करके हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल दोनों ही नाप सकते हैं, ठीक है ना। इन दिस सर्वे बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल कैन बी मेजर इजीली एंड लेंथ निकालने के लिए क्या टेप तो है ही होंगे। तो थियोडोलाइट सर्वे दो प्रकार का होता है, एक होता है ट्रैवर्स, एक होता है ट्रायंगुलेशन। ट्रैवर्स हम इसको डिटेल पढ़ सकते हैं, ट्रायंगुलेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। वैसे ट्रायंगुलेशन में होता क्या है कि भाई हम जैसे मान लो किसी बड़ी, जैसे मान लो ट्रायंगुलेशन को हम ऐसे बोल सकते हैं कि आपको एक, मैंने आपको एक लार्ज एरिया दे दिया, ऐसे मैंने आपको बोला इसमें एक सिटी, मैंने बोला सिटी का आपको ट्रायंगल सर्वे करना है, तो आप क्या करेंगे, इस सिटी से बाहर जाके पहले बड़े बड़े कुछ पॉइंट्स बनाएंगे, वहाँ से आप एक इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस नाप ली, इस पॉइंट से इसकी, सॉरी
बता दूँ आपको, ऑफिस देख लें। जैसे मान लो ये कोई एरिया है, ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा छोटा कोई एरिया, आपको यहाँ पे इसका ट्रायंगुलर सर्वे करना, तो क्या करेंगे, अलग अलग पॉइंट को पहले लोकेट कर लेंगे, ठीक है। डिस्टेंस मान लो यहाँ पे आपने आर्बिट्री पॉइंट ये ले ले, वो लाइन, तो इस लाइन की आपको लेंथ पता होगी, यहाँ से आप इसका एंगल निकाल लेंगे, यहीं से आप इसका एंगल मेजर कर सकते हैं, यहाँ से इसका एंगल कर लेंगे, यहाँ से इसका, ऐसे करके आप एक जब सारा डिटेल ड्रॉ करेंगे तो ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। उस ट्रायंगल में आपको एंगल पता होगा और एक साइड पता होगी, तो एक साइड और एंगल पता होगा, तो आप अलग अलग साइड की लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आप एक बड़े नक्शे को एक ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है ना। फिर हमारा ट्रैवर्स सर्वे, ट्रैवर्स सर्वे में आप लोग क्या करते हैं, ट्रैवर्स सर्वे में आप लोग जैसे कि आप लोगों ने पहले वो जो किया है प्लेन टेबल, वैसे ही एक ही पार्ट है, ठीक है। अगला हमारा है टैकोमेट्रिक सर्वे, ठीक है। अब देखिए टैकोमेट्रिक सर्वे में क्या होता है, एक होता है इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम होता है टैकोमीटर, ये एक स्पेशल टाइप का होता है थ्रेडलाइट, जिसमें एक स्टेडिया डायफ्राम होता है, ठीक है ना, स्टेडिया डायफ्राम होता है, ठीक है। स्टेडिया डायफ्राम क्या होता है, देखिए जो आप देखते हो थ्रेडलाइट का लेंस होता है ना, तो एक स्पेशल प्रकार का लेंस होता है, जिसमें क्या होता है, एक तो हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर, उसके ऊपर यहाँ पे और यहाँ पे एक सेम डिस्टेंस पे दो हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर और होते हैं, इसे बोलते हैं स्टेडिया डायफ्राम बोलते हैं, ठीक है। तो टैकोमीटर सर्वे में क्या कर सकते हैं, हम हॉरिजॉन्टल एंगल, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस को नाप सकते हैं, इसका बेसिकली जो होता है रफ सर्फेस, ठीक है ना। वैसे एक एक और होता है ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग, जिसमें आप किसी बिल्डिंग की हाइट भी निकाल सकते हो, ठीक है, उसका लिए भी थ्रेड यूज कर सकते हैं, वो हम आगे पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है फोटोग्रामेटिकल सर्वे, ठीक है। फोटोग्रामेटिकल सर्वे क्या होता है कि इसमें हम क्या करते हैं कि इस किसी भी एरिया का हम इसका एक पिक्चर ले लेते हैं, पिक्चर कैसे ले लेंगे, कोई एरोप्लेन से यहाँ से निकलेंगे और यहाँ से फोटो खींच लेंगे, तो उसकी उसके द्वारा कैमरा द्वारा हम उसे इस एरिया की टोपोग्राफी फोटो ले लेंगे, क्यों ले लेंगे, क्योंकि उस एरिया में हमको उतरना या जाने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है, उससे हम उस एरिया के लोकेशन के बारे में पता कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, हमारा लास्ट है EDM, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरमेंट, यानी कि एक डिस्टेंस नापने का एक ऐसा मेथड जिसमें हम लाइट या रेडियो वेव्स का उपयोग करके डिस्टेंस नाप सकते हैं, ठीक है। इसमें कई एग्जांपल, जैसे कि देखो ये ट्राइलिट्रेशन मेथड है ये, और इसी का EDM का एक मेथड है, इसका नाम है ट्राइलिट्रेशन मेथड, ये एक प्रकार का ट्रायंगुलेशन मेथड होता है, बट इसमें क्या होता है, ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर मेजर्ड एंड देन एंगल आर कैलकुलेटेड, यानी कि हम लेंथ इजीली यहाँ से यहाँ तक रेज भेज देंगे, लेंथ हमको मिल जाएगी, यहाँ से यहाँ तक भेजेंगे रे हमको लेंथ मिल जाएगी, यहाँ से तक हम रे करेंगे लेंथ मिल जाएगी, तीनों की लेंथ हमको मिल जाएगी, फिर एंगल हम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो ये था आपका बोल सकते हैं कि टाइप्स ऑफ सर्वे, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं, तो आप इसको एक बार ध्यान से देख लें।